होटल जैसा खाना घर पे बन जाए, हम सभी यही चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना लहसुन प्याज के एक ऐसी खास ग्रेवी, जिसे आप 50 से ऊपर सब्जियाँ बिना प्याज लहसुन के बना सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि आप इस ग्रेवी को 10 से 12 दिन तक फ्रिज में और 2 महीने तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। जब दिल चाहे तुरंत बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पंजाबी चटकारा में। आप हैं अनु मलिक के साथ। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, वो भी पंजाबी चटकारा स्टाइल में। यहाँ मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच ऑयल के। जी हाँ, ऑयल हमने ज़्यादा लेना है, इसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अभी हम लेंगे खड़े मसाले। यहाँ लिया है मैंने 3 तेज पत्ता, और साथ में लिए हैं थोड़े से लौंग, और साथ में लिया है काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटे इलायची, काली बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा। सभी मसालों को हम तड़का लेंगे, इसका मसाले का स्वाद आना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने हाइब्रिड के टमाटर लिए हैं, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, इसको छोटे छोटे पीस में काट के आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 10 से 12 लाल मिर्च, जो मैंने पहले से भिगो के रख दी थी गर्म पानी में। लाल मिर्चों से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, आप भी इसे ज़रूर डालें। 2 मिनट सभी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। जो मैं ग्रेवी आपको बता रही हूँ गाइस, आप इस ग्रेवी से कोई भी सब्जी बना सकते हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जो वर्किंग वूमेन हैं उनके लिए तो और भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिए की डंठल, इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 4 बड़े चम्मच काजू, जो मैंने पहले से भिगो दिए थे, वो डाल दिए हैं, और 2 बड़े चम्मच मगज के डाले हैं। अब 2 मिनट हम सभी चीज़ों को पका लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास मगज ना हो तो आप मगज की जगह सफ़ेद वाले तिल भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, आप इसे ज़रूर बनाएं। गैस को लो मीडियम पर रखें और इसको पकने दें। अब हम इसको लिड लगाकर 7 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे। टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, इसलिए हमें और पानी की डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस स्टेज पर आकर आप खड़े मसाले निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको आप मसाले के साथ पीस सकते हैं। तेजपत्ता, काली इलायची और दालचीनी, इसको हम निकाल देंगे। मसाले को मिक्स करेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे ताकि मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब पूरा मिक्स हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस ग्रेवी से आप नई नई तरह की डिशेस बना सकती हैं, नई नई तरह की सब्जियां बना सकती हैं। ये ग्रेवी आपके बहुत ही काम आएगी। अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो 10 से 12 दिन तक फ्रिज में रखें, और अगर फ्रीज़र में स्टोर करके रख रहे हैं तो 2 महीने तक आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए हैं, और 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच लिए हैं,
जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, हींग 1/4 चम्मच। सभी मसालों को हम लो फ्लेम पर हल्का भून लेंगे। ध्यान रहे मसाले जले नहीं। जब मसालों में से बढ़िया सी खुशबू आने लगे तो हम अपना पिसा हुआ मसाला, जो हमने बढ़िया सा पिसा था, उसको हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर दें। दोस्तों, ग्रेवी को पकाना, अच्छी तरह से पकाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि और ऑयल जो हमने डाला है वो ग्रेवी ऑयल छोड़ दे और इसका सुंदर सा कलर आए, इसको बहुत दिनों तक रख पाए और इसका बढ़िया सा स्वाद आए। अगर आपको लगे कि ग्रेवी गाढ़ी है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो लीजिए, मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। हमारी ऑल पर्पस ग्रेवी बिल्कुल है तैयार। अब इस ग्रेवी से आप 50 से भी ज़्यादा सब्जियां तैयार कर सकते हैं। गाइस, इस ग्रेवी के ऊपर जो ऑयल आया है इसको आप बिल्कुल मत निकालिए, ये ऑयल ही हमारी ग्रेवी को प्रोटेक्ट करेगा। इस ग्रेवी से सब्जी कैसे बनानी है, चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ग्रेवी के लिए हैं, और अगर आपको ग्रेवी में ऑयल कम लगे तो ग्रेवी में से ही ऑयल लेके आप इसमें डाल सकते हैं। आप देखना कि हमारी सब्जी कितनी जल्दी तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने पनीर 1/2 कप ले लिया है, बड़े टुकड़ों में कटा हुआ है, और 1/2 कप ही मैंने यहाँ हरी मटर ली है। ये फ्रोज़न मटर हैं, तो आप कोई भी मटर ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दें। गाइस, अगर आप तला हुआ पनीर पसंद करते हैं तो आप पहले थोड़ा सा घी डाल के पनीर को तल के तब डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1/4 चम्मच गरम मसाला लेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक को ध्यान से डालिएगा गाइस, क्योंकि हमने ग्रेवी में भी नमक डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम साथ ही 1/2 कप पानी डाल देंगे। मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक हम इसको ढक के पकाएंगे। वाओ, लीजिए अब हमारी होटल से भी बढ़िया शानदार तरीके से घर पे बनाई हुई ग्रेवी से हमने, देखो कितनी शानदार हमने सब्जी तैयार कर ली है, वो भी मिनटों में। जो लोग कहते हैं बिना प्याज लहसुन के सब्जी उन्हें पसंद नहीं है, यकीन मानिए उनको भी पता नहीं चलेगा कि आपने इस ग्रेवी में प्याज और लहसुन नहीं डाला है। तो गाइस, आप कब बना रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक टेस्टी रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।